हे गाइस, तो आज हम आ गए हैं फिर से मम्मी एंड डॉटर आपके लिए एक मजेदार चैलेंज लेके। लास्ट टाइम तो हमने आपको देसी वर्सेस फॉरेन स्नैक्स दिखाए थे, इस बार हम करने वाले हैं पिज्जा हट वर्सेस डोमिनोज। क्योंकि मम्मी को लगता है पिज्जा हट बेटर है, पर मैं उनको प्रूव रॉन्ग करने वाली हूँ आज, क्योंकि डोमिनोज इज द बेस्ट पिज्जा। अब जिसको जहाँ का पिज्जा अच्छा लगता है वो तो वहीं का बेस्ट कहेगा ना। तो बस हम मॉम डॉटर की जोड़ी के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब। तभी तो मैं अनंतिया को लेके आऊंगी अपने चैनल पे और करेंगे हम मस्त से चैलेंज। तो यहाँ पे मैं ये जोमेटो से ऑर्डर किया और मैंने सर्च किया पिज्जा, तो यहाँ पे मार्गरीटा पिज्जा है, बहुत सारे क्रीमी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स दिख रही हैं, एक्जॉटिक पिज्जा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कर लिया मैंने टेयर एंड शेयर वेज पिज्जा और मार्गरीटा पिज्जा। डेजर्ट में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला है, और ये थोड़ा सा डिलीवरी पार्टनर फीस भी ले रहे हैं, किस बात की मुझे नहीं पता। तो चलो, मेरा तो ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अब है मेरी बारी और अब मैं ऑर्डर करूंगी। और आपने मार्गरीटा पिज्जा मंगवाया था? मैं मार्गरीटा न्यू हैंड टोस्टेड चीज बर्स्ट वाला। इतने ऑप्शंस तो मुझे पिज्जा हट में आए ही नहीं थे। बहुत तेज हो रहा है। तो मैंने ऑर्डर किया गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, मार्गरीटा पिज्जा चीज बर्स्ट वाला, चोकोलावा केक और चीजी डिप। तो यहाँ पे ऑर्डर तो प्लेस हो गए हैं, अब देखते हैं किसका पिज्जा पहले आ रहा है। A few moments later. So, हमारा पिज्जा आ गया है। एक्चुअली दोनों टाइमिंग दोनों की अच्छी थी, सेम सेम। तो ये डोमिनोज वाले भैया ही ये पिज्जा हट का पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू भैया। क्योंकि पिज्जा हट वाला हमारे मेन गेट पे डिलीवर करके चले गए थे, तो प्लस माइनस वन, डोमिनोज बेस्ट है ना भैया। और ये ना चिली फ्लेक्स एक्स्ट्रा ले लेना। तो अगर हम डिलीवरी टाइम की बात करें तो दोनों ने सेम टाइम पे डिलीवर किया है, लेकिन पिज्जा हट वाले ने मेन गेट पे डिलीवर कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पिज्जा हट वाला 2-3 मिनट्स पहले आ जाता। हाँ, तो यहाँ पे मेरा बिल तो 416 का आया है और मेरा 450 का था, बट यहाँ पे 518 का लिखा है, क्योंकि हाँ इसमें विदाउट डिस्काउंट वाला है। और मुझे भी ऑफर में फ्री पिज्जा मिला है यहाँ पे। वाह, ये मेरा हो गया। आपको तो पसंद नहीं है ना पिज्जा। अब देखते हैं इसके अंदर का खाना कैसा है और टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे पिज्जा, और पहले कौन खाएगा उसके लिए रॉक पेपर सिज़र्स। रॉक पेपर सिज़र्स शूट। हाँ, ये वाला चैट। ए दादागिरी मत कर, मैं मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। तो चलो पहले मेरा थोड़ा कुशनी, बहुत सॉफ्टी सा है, क्योंकि उसमें अंदर बहुत सारी चीज बर्स्ट भरा है। और यहाँ पे मैंने अपना खोला है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा ज्यादा कुशनी और है, बट ये नॉर्मल पिज्जा है जिसमें वेजीज नहीं लगे हैं, तो ये एकदम मार्गरीटा पिज्जा ऐसे ही कहते हैं। बट मम्मा के क्रस्ट इतना बड़ा है, मेरा क्रस्ट इतना ज्यादा नहीं है। पतला सा लग रहा है इसका, थोड़ा गरीबो वाला लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे को तो पसंद है पिज्जा विद ऑरिगैनो। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। और अब मैं अपने पिज्जा में डालूंगी सीजनिंग, और मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी डालूंगी, और मैं सॉस डाल के इस पिज्जा को खाती हूँ। तो उसमें नॉर्मल वेजीज तो लगी नहीं है, और ये चीज बर्स पिज्जा मिलता नहीं है, वो डोमिनोज की स्पेशलिटी है। तो इसकी ब्रेड सॉफ्ट तो है, फ्लेवर भी अच्छा लग रहा है, बट डोमिनोज में वो जो चीज बर्स डाल के एनरिच कर देते हैं, वही चीज बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो मैं मम्मा को अपना ट्राई कराऊंगी और मम्मा मेरे को अपना ट्राई कराएंगी। क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या कोई और भी पहले अपना क्रस्ट खाता है फिर पिज्जा का मेन पार्ट खाता है? क्योंकि मैंने सबको देखा पहले वो मेन पार्ट खाते हैं फिर क्रस्ट खाते हैं, या छोड़ देते हैं। मैं पहले क्रस्ट खाती हूँ। कोई सेंस है इस बात की? मम्मा मैं जीत गई पिज्जा वाला। बाकी का पिज्जा हम बाद में खाएंगे, अब बारी आती है गार्लिक ब्रेड की। तो ये है मेरी टेयर एंड शेयर गार्लिक ब्रेड। ये क्या है?
अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो ये बड़ा ही सिंपल बेसिक पैकेजिंग है जहां पे लिखा है इन्होंने, यू कांट स्प्लिट अस बट यू कांट क्विट अस। ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई थिंक पिज्जा हट की पैकेजिंग इज लाइक मोर प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप बाहर यूएसए में जाओगे तो सारे पिज्जा बॉक्सेस ब्राउन होते हैं या व्हाइट होते हैं। ये भी एवरेज है। और ये है मेरी गार्लिक ब्रेड। अब ये ऑनेस्टली मेरी गलती है कि इतनी पतली लग रही है, क्योंकि मैंने फ्लेवर फिल्ड वाली नहीं बनाई मंगवाई है, क्योंकि मेरे को ये अच्छी लगती है, बट मम्मी की वाली में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मेरी वाली में अच्छे से ऊपर से चीज एंड एलोपिनोज डले हुए हैं, और मेरे चीजी डिप भी लाई हूँ। चीजी डिप आप वैसे तो पहले फ्री में मिलती थी, बट आप एक्स्ट्रा 20 रुपीज देने पड़ते हैं। लूटते हैं ना, वो लूटते हैं लूटते हैं। अच्छा है चीजी डिप। अब बातें बहुत हुई, चलिए खाते हैं। साइज की बात करें तो मेरा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और इस बारी मेरे गार्लिक ब्रेड के अंदर अच्छी सी चीज और मेयोनीज की लेयर दिख रही है मुझे। ये बेसिकली पिज्जा लग रहा है, पिज्जा लग रहा है। ये तो मेरे को भी खाने के लिए मन कर रहा है बहुत ज्यादा। वापस रख उसे। तो इनफैक्ट जो इनका मार्गरीटा पिज्जा मैंने ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही क्लासिक रेंज का बेस्ट सेलर पिज्जा ये लोग कहते हैं, उसकी जगह पे अगर आप इसको मंगाएंगे तो वो भी बेटर ऑप्शन है। इतना अच्छा है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो अनंत्या ने भी इसे दे दिया थम्स अप। कैसा रहा मैकडॉनल्ड्स की गार्लिक ब्रेड? बहुत ओजी रही। मैकडॉनल्ड्स भारी मिस्टेक हो गया सर। डोमिनोज। लेकिन बेस्ट गार्लिक ब्रेड होती है कुक विद निशा की एयर फ्रायर में बनी हुई गार्लिक ब्रेड। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इस वाले वीडियो में देख सकते हैं। मस्ट ट्राई। तो इसके बाद बारी आती है डेजर्ट की। तो डोमिनोज में दो तीन और डेजर्ट के ऑप्शंस थे, जैसे कि रेड लावा केक और मूस, बट मैंने सबसे आइकॉनिक चीज ट्राई की, चॉकोलेट केक। तो पहले जो इनका चॉकोलावा, अनलकीली या लकीली पिज्जा हट में डेजर्ट के ऑप्शंस थे ही नहीं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो पीछे देखो पीछे। तो फिर से हमारे यहाँ गेस्ट आ गए हैं खाने के लिए। मैं ये कहूंगी कि अंकुर को भी मीठा बहुत पसंद है, और जब भी कभी हमें डेजर्ट खाना जाना होता है तो हम लोग खाते हैं जलेबी, और अनंतिया खाती है चॉकोलावा केक या वॉफल्स और अंकुर दोनों से लेता है। इसी से हम अब आते हैं वीडियो की कंक्लूजन में। सो अगर हम डेजर्ट की बात करें तो पिज्जा हट में डेजर्ट के ऑप्शंस नहीं थे, और जो टाइम ऑफ डिलीवरी था वो ऑलमोस्ट सेम आया, क्योंकि दोनों स्टोर हमारे घर के पास ही हैं। तीसरा, पैकेजिंग दोनों की अच्छी है। चौथा, प्राइस में मुझे लगता है पिज्जा हट का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और बात करेंगे अब खाने की, पिज्जा हट और डोमिनोज में से पिज्जा तो तो ये था डोमिनोज वर्सेस पिज्जा हट फन चैलेंज, जहाँ पे हमने आपको रिव्यू किया, खाके दिखाया, बहुत सारे पॉइंटर्स बताए। और ऐसे ही माय मिस आनंद शॉर्ट्स और निशा शॉर्ट्स भी आ गए, जहाँ पे हम छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं फूड रिव्यूज और अपनी मस्ती के। हाँ, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो जरूर उस चैनल्स को जाओ चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मस्ती भरा वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय बाय।